पाकिस्तान की टीम सिर्फ 92 पे आउट हुई है, तो सो कुछ पाकिस्तानी फैंस बड़े उदास और मायूस, इनकी जरा देखें बेचारों की हालत से क्या हुआ है, कोई प्रैंक था क्या हुआ है? 92 की जब बात आपने की है तो फिर उम्मीद है कि 92 में भी पता है सरप्राइज दिया था, तो फिर आज भी सरप्राइज हो सकता है। अभी सिर्फ बैटिंग हुई है, बॉलिंग अभी बाकी है, क्या पता है नसीम चल जाए, उसका भी तो गोरी है ना अभी। नहीं तो ये जो बैटिंग आज हमारी हुई है वो कैसी हुई है? ये बैटिंग तो आज ये कह सकते हैं कि रेत की दीवार साबित हुई है कि ESL में यही टीम जो है यही प्लेयर तकरीबन 20 ओवर में 250 प्लस मार के आए, और आज 100 भी इनसे नहीं बन रहा था, लेकिन फिर इसी को बोलते हैं कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये कुछ भी कर सकती है। आपके क्या जज्बात हैं? जज्बात और एहसास आप हमारे चेहरे पे देख सकते हैं। पूरा दिन ड्यूटी करके सीधा स्टेडियम आ गए, अभी सैरी के लिए फिर उठना पड़ेगा, अगर ये हार गए तो फिर देखें आप हमारी सैरी कैसी होगी। लेकिन ये है कि चार लड़के फिर आज डेब्यू कर रहे थे, हारिस भी पहली बार शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहा है, तो ये चीज़ें भी मद्देनजर रखनी पड़ती है, इतना तो उनको देना चाहिए ना हमें। बस भाई रोजा लगन लग गया टीम का स्कोर वेख के, और दिल बड़ा गमगीन है। हुआ क्या है उनके, उसकी साढ़े मुंडे छोटे से उन्होंने बड़े से, बस इसी तरह कुछ हुआ है, बड़ी जद्दोजहद करके बड़ी दौड़ लगा के अबू धाबी से यहाँ पे पहुंचे तो, लेकिन रजा भाई क्या हुआ है? और भाईजान ये एवं सारे मुंह लटकाए हुए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान मैच जीतेगा, आप विकेट देखें, विकेट हवा कितनी जबरदस्त कर रही है, विकेट बड़ी साजगार है, और पावर प्ले में ये 5 आउट करेंगे, बले, बले, नहीं बले। तो मैं भी इधर हूँ आप इधर हैं। आप देखिए जी, बात यह है कि हमने पाकिस्तानी टीम के जज्बात देखे हैं यहाँ पे अभी बैठ के, वो बड़े गुस्से में है। ये 92 तो उन्होंने जो स्कोर किया ना, मैं बात मेरी सुन ले, 92 जो स्कोर है बहुत ज्यादा स्कोर कर दिया है, मेरे हिसाब से तो 60-70 स्कोर इनफ था इनके लिए। हाँ जी, ये देखें ये मैक्सिमम 48 या 47 पे सारे ऑल आउट होंगे, क्योंकि उनको भूख लगी हुई है अफगानियों को, देखे ना आप, वो लड़ रहे हैं ऐसे चपक रहे हैं गेंद की तरफ जैसे वो भूखे हैं, अभी उन्होंने खाना खाना और उनके पेट हो जाने बड़े, और उसके बाद उनसे भागा ही नहीं जाना। देख लीजिए खूबसूरत लड़के, क्या हुआ जी? कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये जो मैच है 8 रन से जीत रही है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपने सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग देखी है, लेकिन आपने बॉलिंग अभी देखनी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और आठ बैटिंग ऐसे होती है जैसे कि ये हमने क्या आजम, क्या सैम अयूब, क्या इमाद वसीम, क्या मोहम्मद हारिस, क्या तैयब ताहिर, नहीं ये तो हमारा अफगानिस्तान के साथ छोटा सा एक मजाक था ना, इसलिए तो बाकी इंशाल्लाह पिक्चर अभी बाकी है, इंशाल्लाह हम 8-10 रन से ये मैच जीतेंगे। मोहसिन क्या हुआ क्या है, सच सच बताना आप कहाँ थे? सही सही बताऊँ तो लीरो लीर हो गए हैं हम लोग, ठीक है, क्यों रजा भाई, लीरो लीर तो हुए हैं हम, लेकिन ये है कि यही बच्चे 200 करके आए हैं PSL में, यहाँ पे आगे ढेर हो गए हैं, यही तो अभी जिनकी आपने देखा ना गद्दी दीवार साबित हुए, इनकी बॉलिंग देखना आप, आपको पता चलेगा। ये देखें जी यार, शारजा क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान में हमेशा लकी रहा है, यहाँ पे आकब जावेद ने 7 आउट किए थे जी, अब्दुल रहमान भाई के तजर्बे से मैं इत्तेफाक करता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप ये पोस्ट जितनी जल्दी हो सके लगा दें ताकि लोगों को पता चले कि हम मैच बताऊं। हमने उनको कैच दिए हैं कि जी वो कैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उन्होंने कैच किए हैं, इसका मतलब ये है कि वो कैच कर सकते हैं, अब उनको हम गेंदे खिलाएंगे, देखते हैं कि वो गेंदे खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, क्योंकि जो उनके कोच है उन्होंने सिर्फ उनको गेंदे पकड़नी सिखाई है, बल्ले से हिट करना नहीं सिखाया, देख लीजिएगा। चलो आरोन क्या हुआ है, तुम कहाँ थे? मैं इधर ही था यार नसीम शाह ने जैसे लास्ट टाइम 2 छक्के मारे थे, आज 1 छक्का मारेगा, 6 विकेट लेगा नसीम शाह, आज जीतेंगे हम जरूर जीतेंगे भाई, थोड़ा कट करो T20 है यार, 3-4 कह दो भाईजान, चौका मारेगा नसीम शाह की 2 विकेट पक्की। इसके ऊपर एक गाना बनता है, सड़ा चिड़िया दा चम्मा वे बाबुल वे सड़ा चिड़िया नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा जी, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।